एमडीएस यूनिवर्सिटी की अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में डीडवाना के बांगर कॉलेज के खिलाड़ी छात्राओं को वंचित रखे जाने को लेकर आज खिलाड़ी विद्यार्थियों में रोष व्याप्त हो गया। इसके विरोध में एक छात्र संघ अध्यक्ष मुकेश खीचर की अगुवाई में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया तथा कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान छात्र संघ अध्यक्ष मुकेश खीचर ने बताया कि वर्तमान में एमडीएस यूनिवर्सिटी की अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताएं चल रही हैं, जिसके अंतर्गत लड़कियों की कबड्डी व बास्केटबॉल की प्रतियोगिता 15 नवंबर को होनी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने प्रतियोगिता की तारीखों में फेरबदल कर उसे गत 4 नवंबर को ही आयोजित करवा दिया और इसकी सूचना खिलाड़ी छात्राओं को नहीं दी गई, जिसके कारण बांगर कॉलेज की अनेकों छात्राएं प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित रह गई। इस संबंध में कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी का कहना है कि उसने कॉलेज प्रशासन को तारीख परिवर्तन की सूचना दी थी, जबकि कॉलेज प्रशासन ने खिलाड़ी छात्राओं को इस बाबत कोई सूचना नहीं दी। प्रदर्शन के दौरान प्राचार्य डॉक्टर जहांगीर रहमान कुरैशी ने विद्यार्थियों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन विद्यार्थी आंदोलन पर अड़े रहे। प्रदर्शन करो, किस चीज को लेकर कर रहे हो? एमडीएस यूनिवर्सिटी की जो अंतर महाविद्यालय टूर्नामेंट चल रही है, जो 15 नवंबर को होनी थी, बास्केटबॉल, हॉकी, कबड्डी और लड़कियों की जो होनी थी 15 तारीख को, उन्होंने पोस्टपोन करके अचानक 4 नवंबर को कल ही चालू कर दी। कॉलेज के पास कॉलेज वालों को जब पूछा तो ये कि हमारे पास नोटिस नहीं किया। अजमेर जब बात करी तो उन्होंने कहा हमने बाकायदा कॉलेज की ईमेल आईडी पर ईमेल कर दिया था, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने आपको सूचित नहीं किया था। इस कारण लंबे समय से जो लड़कियाँ तैयारी कर रही थी वो वंचित रह गई है, उनकी टीम नहीं जा पाई। बांगड़ कॉलेज की कबड्डी और बास्केटबॉल की पूरी एमडीएस यूनिवर्सिटी अंतर्गत सबसे टॉप टीम मानी जाती है, लेकिन वो लड़कियां जो वंचित रह गई है, जिससे काफ़ी निराशा हुई है। और कॉलेज प्रशासन ने तो अभी तक कोई नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई है, आज तक लगाई नहीं है कि कौन कौन सी टूर्नामेंट कब होनी है। इसको लेकर हमारी मांग यही है कि आगे से जो टूर्नामेंट हो रही है उनकी पूरे में ही खिलाड़ियों की सूची ले लें, कौन कौन जाना चाहता है उनकी सूची मांग के बाकायदा उनके नाम लिख के फॉर्म भर दें, और जो भी टूर्नामेंट आती है सबके नंबर ले, प्रत्येक खिलाड़ी को सूचित कर दे, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर मांग को हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जब तक हमारी पूरी मांग नहीं मानी जाती हमारे प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। ये फॉरम का क्या मामला है? कौन सा फॉरम का? कल जो लड़कियां आई थी लास्ट टाइम पर, जब लड़कियों को पता चला था, तब लड़कियां कबड्डी और बास्केटबॉल की आई थी, तब कॉलेज प्रशासन ने उनके लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया, लड़कियों के फॉरम तक बांट दिए गए, लड़कियां फॉरम लेकर आई थी उनका फॉरम तक बांट दिया गया एक लेक्चरर के द्वारा। इस प्रकार लड़कियों के साथ, इस तरह के खिलाड़ी के साथ जो कॉलेज प्रशासन ने जो हरकत की है वो बहुत ही निंदनीय है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। प्रदर्शन के लिए क्या आश्वासन मिला? कॉलेज प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं मिला है। कॉलेज प्रशासन हमारी गलती, हमको बोल रहे हैं, झूठे बोल रहे हैं कि नोटिस बोर्ड पर हमने सूचना लगा दी, कोई एक विद्यार्थी ने आकर वो नोटिस बोर्ड से सूचना लेकर फरार हो गए, ये कोई बात मानने वाली नहीं है। कैमरे लगे हुए हैं, हमने बोला चेक कर लो, बाकायदा ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है हमारी, उल्टा हमको